नमस्कार बच्चों, बीडीएन पब्लिक स्कूल के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। बच्चों, आज की वीडियो में हम संस्कृत विषय की पाठ्य पुस्तक पढ़ेंगे, कक्षा आठवीं की। बच्चों, इस पुस्तक का हमने 3 अध्याय कर लिए थे, आज चतुर्थ अध्याय करेंगे, जिसका नाम है सदैव पूर्तो निधेहि चरणम। इसका अर्थ होता है कि आप हमेशा आगे कदम बढ़ाते चलो। सदैव का होता हमेशा, पूर्तो आगे, निधेहि रखो, चरणम पैरों को, आप हमेशा अपने कदमों को आगे रखते हुए चलो। यह बच्चों गीत है, यह है श्रीधर भास्कर वर्णेकर द्वारा रचित है। ये राष्ट्रीय कवि भी हुए हैं और ये संस्कृत विश्वविद्यालय नागपुर के संस्कृत विभाग में अध्यक्ष भी रह चुके हैं। इन्होंने इस गीत में निरंतर कर्म करने रहने की शिक्षा दी है, यानी कर्मशील बने रहने की हमें शिक्षा दी है और आगे बढ़ने की प्रेरणा दी है। चलो हम इसको एक बार पढ़ते हैं। चल चल पूर्तो निधेहि चरणम, सदैव पूर्तो निधेहि चरणम, चल चल पूर्तो निधेहि चरणम, सदैव पूर्तो निधेहि चरणम। गिर शिखरे ननु निज निकेतनम, विनेव यानम नगारोहणम, गिर शिखरे ननु निज निकेतनम, विनेव यानम नगारोहणम। बलम स्वकीयं भवति साधनम, सदैव पूर्तो निधेहि चरणम, चल चल पूर्तो निधेहि चरणम, सदैव पूर्तो निधेहि चरणम। पथि पाषाणः विषमः प्रखरः, हिंस्रः पशवः परितो घोरः, पथि पाषाणः विषमः प्रखरः, हिंस्रः पशवः परितो घोरः। सुदुष्करं खलु यद्यपि गमनं, सदैव पूर्तो निधेहि चरणम्, सुदुष्करं खलु यद्यपि गमनम्, सदैव पूर्तो निधेहि चरणम्, चल चल पूर्तो निधेहि चरणम्, सदैव पूर्तो निधेहि चरणम्। जहि हि भीतिं भज भज शक्तिं, राष्ट्रविधेहि तथानुरक्तिं, जहि हि भीतिं भज भज शक्तिं, विधेहि राष्ट्रे तथानुरक्तिं, कुरु कुरु सततं ध्येयस्मरणम्, सदैव पूर्तो निधेहि चरणम्, चल चल पूर्तो निधेहि चरणम्, सदैव पूर्तो निधेहि चरणम्। इसकी हिंदी समझते हैं। चलो चल चल, चलो चलो, पूर्तो आगे, निधेहि रखो, चरणम चरणों को, अर्थात आप हमेशा अपने चरणों को आगे रखते हुए चलो। सदैव पूर्तो निधेहि चरणम्, वही पाठ का शीर्षक है ऊपर, कि आप हमेशा अपने पैरों को, अपने कदमों को आगे रखते हुए चलो। अगली लाइन है, गिरि शिखरे ननु निज निकेतनम। गिरि शिखरे का होता पर्वत की चोटी पर, ननु निश्चय से, निज निकेतनम अपना घर है। कवि कह रहे हैं कि पर्वत की चोटी पर अपना घर है, यानी आपका लक्ष्य है। विनेव यानम नगारोहणम, विना प्लस एव, यानम साधन, नग प्लस आरोहणम, नग होता पर्वत, आरोहणम माने चढ़ना, पर्वत पर चढ़ना, कि आपने बिना साधन के ही उस पर्वत पर चढ़ना है, हमारे पास कोई साधन नहीं है। बलम स्वकीयम भवति साधनम, जो आपका आत्मविश्वास है वही एकमात्र साधन होता है।
भाव यह है कि कवि कह रहा है कि जो हमारा घर है पर्वत की चोटी पर है और वहाँ चढ़ने के लिए संसारिक किसी भी प्रकार की कोई साधन की व्यवस्था नहीं है, और अगर कोई व्यवस्था है तो वो आपका साधन के रूप में आपका आत्मविश्वास है, आपकी शक्ति है, उसी के माध्यम से आपने उस पर्वत की चोटी पर जाना है। और सदैव पुरतो निधे ही चरणम, और हमेशा आगे बढ़ते कदम रखते हुए चलना है। अगली है पथि पाषाणः विषमः प्रखरः। पथि होता रास्ते में मार्ग में, पाषाणा पत्थर के टुकड़े, विषमः और कैसे असमान छोटे बड़े, प्रखरा नुकुले यानी रास्ते में असमान छोटे बड़े पत्थर के और नुकुले पत्थर के टुकड़े पड़े हैं। हिंस्र है पशु है परितो घोरः, और हिंस्र हिंसा करने वाले पशु है, परितो चारों तरफ, घोरा का अर्थ होता है भयानक या भयंकर। जिस रास्ते से आपको जाना है उस रास्ते में असंख्य पत्थर के टुकड़े, और वे पत्थर के टुकड़े छोटे बड़े और नुकुले हैं, और चारों तरफ हिंसक और भयानक पशु विद्यमान हैं। सुदुष्करम खलु यद्यपि गमनम, और इससे जो आपका गमन है, जो गंतव्य है, जाने का जो रास्ता है वो कठिन हो गया है। सुदुष्करम यानी कठिन हो गया है, खलु निश्चय से, यद्यपि गमनम जो आपके जाने का जो रास्ता है, मार्ग है, वो इससे कठिन हो गया है, फिर भी सदैव पुरतो निधे ही चरणम, आपने हमेशा आगे कदम रखते हुए चलना है। आगे देखो जही ही भीतिम भज भज शक्तिम। जही का अर्थ होता है त्याग दो, छोड़ दो, भीतिम डर को, यानी आप कवि कह रहे हैं कि आप अपने डर को, अपने जो आपके अंदर जो डर है वो उस डर को छोड़ दो। भज भज शक्तिम, भज भज का अर्थ होता भजो शक्तिम, अपनी शक्ति को, यानी आप अपनी शक्ति पर विश्वास करो और अपने डर को बाहर निकाल दो, छोड़ दो। विधे ही राष्ट्रे तथानुरक्तिम, विधेयी का अर्थ होता है करो, राष्ट्रे राष्ट्र के प्रति क्या, तथानुरक्तिम प्रेम की भावना, और इसके साथ साथ आपने क्या करना है कि अपने राष्ट्र अपने देश के साथ प्रेम की भावना रखनी है, यानी राष्ट्र के साथ प्रेम करते हुए चलना है। कुरु कुरु सततम ध्येय स्मरणम, कुरु कुरु का अर्थ होता है करो, यानी प्रतिदिन करो क्या, ध्येय स्मरणम, अपना जो लक्ष्य है, जो गंतव्य है, जो मंजिल है, उसे आप प्रतिदिन अपने दिमाग में याद रखो, एक मिनट भी न भूलो। और इसके साथ फिर क्या करो, सदैव पुरतो निधे ही चरणम, और आप हमेशा आगे कदम रखते हुए चलो। बच्चों इसके शब्दार्थ देख लो आप, पुरतो इसका अर्थ होता आगे, निधे ही रखो, गिरिशिखरे, गिरिशिखरे में अधिकरण कारक है सप्तमी विभक्ति का प्रयोग है, पर्वत की चोटी पर, गिरी होता है पर्वत, शिखरे यानी चोटी, पर्वत की चोटी पर। निज निकेतनम इसका अर्थ होता अपना निवास, सदन या भवन, विनेव विना प्लस एव बिना ही, जिसके रहित ही, नगारोहणम पर्वत पर चढ़ना, नग प्लस आरोहणम संधि विच्छेद है, स्वकीयम अपना स्वयं का, पथि मार्ग में, पाषाणः पत्थर, विषमः ऐसा असामान्य, परखरः तीक्ष्ण या नुकुले, हिंसा हिंसक, परितो चारों तरफ, घोरः भयंकर या भयानक। सुदुष्करम इसका होता अत्यंत कठिनता पूर्वक साध्य, जो कठिनता से पूर्ण होने वाला हो। जही ही छोड़ दो, भज भजो जपो, विधे ही करो, अनुरक्तिम प्रेम या स्नेह, सततम लगातार निरंतर, ध्येय स्मरणम उद्देश्य लक्ष्य का स्मरण, जो उद्देश्य होता है उसका स्मरण करो, यही ध्येय स्मरण होता है। बच्चों आज के लिए इतना ही, इसके अभ्यास की एक्सरसाइज हम कल की वीडियो में करेंगे, जो आज काम दिया है उसे आपने अपनी कॉपी में नोट करना है और हमें भेजना है। धन्यवाद।